Welcome to online classes which is represented by DPS Dhaka बर्ड्स 6, 7, 8 के लिए समुच्च बोधक पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। समुच्च बोधक एक तरह से शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। दो शब्दों के बीच में आता है और दोनों शब्दों को जोड़ देता है। दो वाक्यों के बीच में आता है, वाक्यों को जोड़ता है। उपवाक्यों के बीच में आने के बाद उपवाक्यों को भी जोड़ देता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा मैं समझाने देता हूँ। कोयल और मैना गा रही है, कोयल और मैना गा रही है, तो और क्या है? दो वाक्यों के, दो शब्दों के बीच में आया है और दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किया। इस तरह से समुच्च बोधक को दो भागों में बांटा गया है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्च बोधक को फिर चार भागों में बांटा गया है, संयोजक, विरोधक, विकल्प, अयोग्य। समानाधिकरण समुच्च बोधक दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है। समानाधिकरण समुच्च बोधक दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ता है, जबकि व्याधिकरण समुच्च बोधक एक स्वतंत्र वाक्य, एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित अन्य वाक्यों को जोड़ता है। इस तरह से समानाधिकरण को चार भागों में बांटते हैं, संयोजक, विरोधक, विकल्पक, परिणाम सूचक, व्याधिकरण। व्याधिकरण क्या होता है? प्रधान वा, एक प्रधान वा, दो या दो से अधिक अन्य आश्रित वाक्य को जोड़ता है। जैसे इसका अभेद हो जाएगा चार, कारण बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक। समानाधिकरण बच्चों को सबसे पहले आप यह जान लीजिए, समानाधिकरण दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है या और शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है। संयोजक और तथा एक संयोजक, समान तरह के शब्द वाक्यांशों को जोड़ता है। समान तरह के शब्द वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ता है। विरोधक, विरोधी कथन वाले वाक्यों को जोड़ता है। विरोधी कथन वाले वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ता है, जैसे परंतु, अपितु, अपितु, लेकिन, मगर, पर। स्टेशन पहुंच गए पर गाड़ी ना मिल सकी। यहाँ पर स्टेशन पहुंचना के उद्देश्य था गाड़ी को पकड़ना, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। इस तरह से दोनों का अलग अलग उद्देश्य। यहाँ स्टेशन जाने का उद्देश्य गाड़ी पकड़ना था, जबकि उसके उल्टा विरोधी बात क्या हुआ कि गाड़ी नहीं मिल पा। बादल छाए मगर बारिश नहीं हुई। बादल छाने से ही लोगों के मन में आशा हो जाता है कि बारिश हो, लेकिन यहाँ विरोधी बात क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई। और यह मगर जो है, या क्या हुआ, समुच्च बोधक दो विरोधी कथनों को जोड़ रहा है। विकल्प अन्यथा, न कि, या चाहे, या विकल्प क्या करता है? विभाजन करने का करता है। जैसे कोई किसी के घर जाने पर बोलता है चाय या कॉफी लेंगे, यानी दोनों को विभाजित कर दिया जाता है, दो विकल्प दे दिया जाता है कि दोनों में से आप एक चुन लीजिए, चाय या कॉफी। उसके बाद अन्यथा, पढ़ाई करो अन्यथा पास हो जाओ, अन्यथा फेल हो जाओ, पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओ। तो यहाँ पढ़ाई करना क्या हुआ? अच्छे करना, पढ़ाई नहीं करने का परिणाम हुआ विभाजन। विभाजन करता है, विभाजन हुआ। जैसे अगर तुम चाहो तो खेलो या आराम, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। परिणाम सूचक,
यह विकल्पक शब्दों वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ता है। विकल्पक स्वतंत्र शब्दों वाक्यों वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है। परिणाम सूचक अलता फलता परिणाम स्वरूप यह वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे वह पढ़ता था अतः उसे अच्छे अंक ले आए। उसके पढ़ने का परिणाम क्या हुआ? उसे अच्छा अंक मिला। यह किसी भी दो एक कार्य के होने का परिणाम को बताता है। एक कार्य जो हुआ उसका क्या परिणाम होगा वह बताता है। तेज दौड़े फलता दो रन ले। यहाँ पर तेज दौड़ने के कार्य का परिणाम को बताता है। किसी भी वाक्य के दो एक वाक्य दूसरे वाक्य के परिणाम को बताता है। व्याधिकरण दोष एक प्रधान वाक और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर आज रविवार कारणवाचक किसी भी काम के होने का कारण बताता है। जैसे आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है। तो बाजार बंद होने का कारण क्या है? आज रविवार का है इसलिए यह बाजार बंद होने का कारण बताता है। राधा स्कूल ना जा सके क्योंकि उसे बुखार है। तो स्कूल के ना जाने का कारण क्या हुआ? उसके राधा का बुखार का हुआ। राधा का को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता। यह क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है और उन दोनों वाक्यों के बीच एक वाक्य के होने का कारण को बताता है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य के न होने का कारण बताता है। संकेत वाचक यह दो वाक्यों के बीच के शर्त या संकेत को बताता है। जैसे वह विनर है लेकिन शर्त क्या है कि वह कभी वह तथापि क्रोधी भी है। वह विनर है लेकिन वह ऐसा नहीं है कि वह हमेशा विनर है। वह कुछ बातों पर क्रोधित भी हो जाता है। इस तरह से उसके विनर होने और क्रोधी होना दो अलग अलग बात है और इसका शर्त के द्वारा संकेत किया गया। स्वरूप वाचक एक वाक्य या शब्दों को अधिक स्पष्ट करने के लिए जब दूसरा शब्द या वाक्य का प्रयोग किया जाता है तो वह स्वरूप वाचक। जैसे राधा की सुंदरता पहला वाक्य उसको स्पष्ट करने के लिए सुख का सागर दूसरा वाक्य। तो पहला वाक्य सुंदरता को स्पष्ट करने के लिए हम दूसरे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। जब एक वाक्य का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य को प्रयोग किया जाता है तो वह स्वरूप वाचक। यहाँ पर मानव के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? राधा के सुंदरता को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। गुन्नू की दाद को और अधिक स्पष्ट रूप से उसकी दाद की सुंदरता को बताने के लिए हम एक शब्दों को जोड़ रहे हैं मोती के समान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुन्नू की दाद को तो पहले वाले वाक्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दूसरा यहाँ पर उपवाक्य जुड़ा गया है। उद्देश्यवाचक यह बताता है कि हम आखिर दो कार्य को करने से कोई कार्य को कर रहे हैं उसका क्या परिणाम आने वाला है। यहाँ पर व्यायाम करने का क्या रिजल्ट आने वाला है? स्वस्थ रहना। इस तरह से यह वाक्य स्वस्थ रहना व्यायाम करने पर आश्रित है इसलिए इसका व्यायाम करने के उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ पर व्यायाम करने का उद्देश्य किसके द्वारा जुड़कर बताया जा रहा है? काकी के द्वारा। भगवान के ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? मन की शांति। तो यहाँ पर जिससे हम क्या बता रहे हैं? यहाँ पर पहले वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य